क्या खूब गाय, खुद की कामयाबी में इतना वक्त लगा दो, खुद की कामयाबी में इतना वक्त लगा दो कि लोगों को बुराई करने का समय ही न मिले। नमस्कार मित्रों, राधे राधे, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल DMR राशिफल में। मित्रों आज हम बात करने जा रहे हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों का 7 सितंबर दिन कैसा रहने वाला है, उन्हें आने वाले समय में किन किन चीजों से सावधान रहना होगा और तुला राशि वाले लोगों को आने वाले समय में वो कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। मित्रों आज हम इस वीडियो में हम बताएंगे तुला राशि वाले लोगों का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, उनका बिजनेस व्यापार कैसा चलेगा, उनका प्रेम संबंध कैसा रहेगा और उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। मित्रों आज हम इस वीडियो में हम आज का संपूर्ण राशिफल बताएंगे। मित्रों आपकी भी तुला राशि है तो वीडियो को पूरा देखें। मित्रों आज का दिन मंगलवार है, बजरंगबली महाराज का दिन है, बजरंगबली महाराज की पूजा अर्चना करें। मित्रों और कमेंट में जय बजरंगबली महाराज लिखें, बजरंगबली महाराज आप सभी की सभी मनोकामना पूरी करेंगे। मित्रों वीडियो को लाइक करें और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर सेलेक्ट कर लें ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मित्रों अब बात करते हैं आज की चाणक्य नीति ज्ञान के बारे में। आज आचार्य चाणक्य जी 4 बातें बताते हैं मेहनत करने वाले। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि परिश्रम करने वाले पर माँ लक्ष्मी जी हमेशा अपनी कृपा बनाए रखती हैं और मेहनत करने वाले व्यक्ति को अपनी बड़ी लगन से एक समय पर ऐसे मुकाम पर पहुँच जाते हैं जहाँ धन के लाभ योग बनते हैं। और चाणक्य जी कहते हैं कि वो लोग बहुत ही खास होते हैं जिन्हें मेहनत करने के बाद सौभाग्य प्राप्त होता है, इसलिए धन को बरसों के इंतजार मात्र करने की बजाय परिश्रम करना चाहिए। और दूसरी बात चाणक्य जी कहते हैं जिस घर में स्त्रियां रहती हैं खुश, चाणक्य जी कहते हैं कि जिन घरों में महिलाएं रहती हैं खुश उस घर में माँ लक्ष्मी जी की कृपा सदैव बनी रहती है और स्त्रियों को केवल पत्नी ही नहीं बल्कि माँ बहन भाभी और घर में अन्य सभी महिलाओं को शामिल किया जाता है। नित्य शास्त्र के अनुसार पुरुषों को घर में 4 बजे खड़ने के लिए और कोशिश करनी चाहिए, ऐसे करने से माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। और आचार्य चाणक्य जी तीसरी बात कहते हैं धर्म कर्म रखने में रुचि वाले लोगों को, जिन लोगों को धर्म कर्म के कामों में रुचि ज़्यादा रहती है ऐसे लोगों को ऊपर माँ लक्ष्मी जी का प्रसन्न रहती हैं। और चाणक्य जी कहते हैं धर्म कर्म पर विश्वास रखने वालों पर माँ लक्ष्मी जी कृपा बनाती हैं और आप उनके धन लाभ का योगमन बनता है। और आचार्य चाणक्य जी तीसरी बात चौथी बात कहते हैं कि जो नहीं बैठते किस्मत के भरोसे, चाणक्य जी कहते हैं कि जो लोग किस्मत के भरोसे नहीं बैठते उन पर माँ लक्ष्मी जी का कृपा बसती है। मित्रों यही था आज की चाणक्य नीति का ज्ञान, पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें। अब बात करते हैं पाचांग के बारे में। पाचांग 7 सितंबर दिन चल रहा है, मंगलवार, तिथि चल रही है अमावस्या, नक्षत्र चल रहा है उत्तरा, फाल्गुनी ऋतु चल रहा है शरद ऋतु, पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष। आज सूर्योदय होगा 6:05 पर और सूर्यास्त होगा 5:48 पर। आज का शुभ समय 10:40 से 12:26 तक। आज का अशुभ समय 3:24 से 4:02 तक। आज तुला राशि वाले लोगों की भाग्यशाली संख्या 2 है और भाग्यशाली दिशा उत्तर है और भाग्यशाली रंग मेहरून है। मित्रों अब बात करते हैं आज के संपूर्ण राशिफल के बारे में। आज तुला राशि वाले लोगों को लाभ इनकम बढ़ाने में ज़्यादा मेहनत करेंगे और कुछ हद तक सफल भी हो सकेंगे। माता पिता और जीवन साथी को पूरा सहयोग प्राप्त होगा। तुला राशि वाले पारिवारिक मित्र में पारिवारिक जीवन में खुशियां सिलसिला बरकरार रहने वाली हैं और संतान की सफलता में आपकी खुशियों में बढ़ोतरी की संभावना होगी। तुला राशि वाले रिश्ते में प्यार दफ्तर जीवन में यह काफ़ी बेहतर रहने वाली है। संभावना जीवन साथी को अपने कार्य क्षेत्र में कोई बड़ी सफलता मिलेगी और मिलने की प्रजंत इजाफा हो सकता है। तुला राशि वाले कैरियर और शिक्षा छात्र में कार्य क्षेत्र में मेहनत बहुत करेंगे मगर परिणाम उम्मीद से कम मिलने के साकेत रहेंगे, लेकिन निराशा को अपने जीवन में कतई स्थान न दें क्योंकि इस समय आपके मित्र आपको आर्थिक मदद मिल सकती है और सेहत का मामला अच्छा रहेगा। आपके मन में आपके योग्य आध्यात्मक प्रतिरुचि जागृत होगी। आज का दिन किसी सौगात से कम नहीं। सबसे पहले तो इस राशि में सूर्य और बुध एक साथ मौजूद होंगे और दूसरा यह है कि राशि में शुक्र ग्रह इस दिन आपकी राशि में आने वाले हैं। यह योग आपको धनवान बनाएगा, पैसों की कमी दूर होगी, बिजनेस में लाभ मिलेगा और नौकरी में प्रमोशन रहेगा, नए कार्य प्रारंभ करने के लिए रहेंगे और स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, पुराने रोग दूर होंगे, निवेश बीमा शेयर मार्केट में लाभ मिलेगा, लेकिन सतर्क रहते हुए कार्य करें। अविवाहित के विवाह की बात इस दिन बन सकती है
और लग्जरी लाइफ पर भी खर्च करेंगे। शुक्र ग्रह के संबंध व्यव प्रतिशोधन निराश पशु तत्व, इसके कारण तुला राशि वाले जीवन अनुवांशिक परिवर्तन होते रहेंगे। इनका जीवन चक्र एक तराजू की भांत रही ऊपर नीचे हुआ करता है। तुला राशि वाले आज खर्च करने से बचेंगे और फालतू कहीं न जाएं और स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। कानूनी मामलों की वजह से तनाव मुमकिन है। जिन लोगों को जानते हैं उनके जरिए आपको आमदनी के नए स्रोत मिलेंगे और कोई ऐसा इंसान जिसके आपके मन में कुछ आध्यात्मिक प्रतिरुचि जागृत हो, और आज आप अपने दोस्त की महक की उपस्थिति महसूस करेंगे। कार्य क्षेत्रों में आज का दिन प्रगतिशील रहेगा। अगर आप अपनी चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे तो उन्हें खो जाने या चोरी हो जाने की संभावना रहेगी और आपको कुछ आरामदायक दिन बीतेगा। आज का दिन भागदौड़ भरे दौर रहेंगे, लेकिन परिवार के साथ बेहतरीन लम्हे गुजारने का मौका रहेगा और आपकी ऊर्जा स्तर बढ़ाने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करेंगे और आपका प्रबल आत्मविश्वास जो आज आपको आसान कामकाज मिलाकर आपको आराम की काफ़ी वक्त देगा और आर्थिक मदद मिलेगी। दूसरों के लिए एक आदर्श बनेंगे। गर्मजोशी, दूसरों की मदद, इच्छा, सन्मानवीय मूल्यों को खुद से सजोना होगा। इससे आपके जीवन में अच्छा तालमेल बनेगा और आज का दिन उबाऊ हो सकता है। रचनात्मक कार्य करने के दिन रोचक रहेंगे और आज का दिन प्यार भरा महसूस होगा। करियर व्यवसायिक क्षेत्र में सफल होने से अच्छे परिणाम सकारात्मक पूर्ण मिलेंगे और अपनी ऊर्जा स्तर को ऊंचा रखने को आपकी सफलता ऊंची रहेगी। अगर आप पैसे के प्रबंध में संबंध हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। करियर, आप काम में कोई गलती नहीं करेंगे। भावनात्मक रिश्ते बराबरी की लेन देन से चलते हैं और तुला राशि वाले लोग बहुत से रिश्तों में उलझे रहते हैं, इसलिए कभी कभी इनके रिश्तों में इन्हें गलत भी समझ लिया जाता है, क्योंकि ये विपरीत के प्रति के स्रोते जागृत होते हैं। इसलिए पूरे जीवन में कोई वादा करने से आपको ठीक से सोच लेना चाहिए। और मिथुन, तुला, कुंभ राशि वाले अच्छे जीवन साथी साबित होंगे। सावधान रहें, यह वह समय चल रहा है जिसमें कोई आपके लिए दगमान होगा और आपकी कुछ दुर्घटना होगी। वाहन चलाते समय, नुकीले यंत्रों का इस्तेमाल करते समय आपको बेहद सावधानी बरतनी होगी। राजनीतिक व सामाजिक क्षेत्रों में जुड़े जातकों का मान सम्मान कुछ हानि की आशंका होगी। वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें और छात्रों को अपनी एकाग्रता बना के रखनी होगी। कठिनाई होगी, ससुराल पक्ष से आपको जो लाभ मिलने की संभावना होगी और जीवन साथी के साथ संबंधों में प्रगति होगी। माता पिता पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। भाई बहनों के संबंध सुधार होंगे। परिवार द्वारा किए गए अनावश्यक व्यय आपको व्यस्त करेंगे। किसी परचेस से संबंधित कुछ अप्रिय समाचार मिलेगा। मित्रों, यही था आज।